हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुक करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ। डीआरडीओ की तरफ से एक नई वैकेंसी अपडेट की गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तरफ से नई भर्ती आ गई है, लगभग 1901 पदों के लिए। 12वीं और आईटीआई कर रखे छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ऐसी नौकरी जिसका कि आपको इंतजार था। आप अगर देश हित में, देश राष्ट्र हित में जाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आपके पास एक सुनहरा अवसर है। चलिए जानते हैं इनके बारे में, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एज क्राइटेरिया, फीस क्या लगेगा, सैलरी क्या मिलेगी, सभी जानकारी संपूर्ण विश्लेषण के साथ करेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। और आप इसके लिए फॉर्म को 3 सितंबर से भर सकते हैं। 23 सितंबर लास्ट डेट है। इसका एग्जाम होगा, इसका एग्जाम पैटर्न को समझना होगा, सिलेबस क्या है, वो भी सारा डिटेल इस वीडियो के नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आप इसके नोटिफिकेशन को पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे, एजुकेशन कीट 6 का टेलीग्राम भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू से लेकर चलते हैं, सारा डिटेल आपको अपडेट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, जो वैकेंसी अपडेट की गई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वैकेंसी। और एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना, ये भारत सरकार की वैकेंसी है, सरकारी नौकरी है। और ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ का एक कैडर है, जो कि नाम है इसका डीआरटीसी। तो डीआरटीसी के लिए जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एक पद है और दूसरा पद है यहाँ पे टेक्नीशियन का, जो कि ग्रुप सी के तहत आता है। और ये जो है आपका सीनियर टेक्नीशियन का, ये ग्रुप बी के तहत आता है। तो ग्रुप बी की वैकेंसी को लेकर भी सैलरी अलग है, ग्रुप सी के लेकर वैकेंसी जो है उसका सैलरी अलग, उसका एज लिमिट वगैरह और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सब कुछ अलग होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। एडवर्टीजमेंट संख्या यहाँ पे सेप्टेम्बर 10 है। डीआरटीसी को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है। अब सर्कुलर डेट जो है एलिजिबिलिटी को लेकर यहाँ पे दे दिया गया है कि 23 सितंबर 2022 लास्ट होगा। मतलब आपके क्वालिफिकेशन को लेकर भी कही गई है बात यहाँ पे कि उस तक आप 23 सितंबर तक जो है आप अपना कोर्स कंप्लीट किए होना चाहिए। 3 सितंबर से फॉर्म भरेंगे और 23 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, शाम 5 बजे तक। डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है आपके एग्जाम को लेकर, लेकिन जल्द ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट भी कर दिया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे डीआरडीओ है क्या यहाँ पे, तो देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क कर रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो आपकी नौकरी भी यहाँ पे सरकारी होगी और ये आप जाएंगे रक्षा अनुसंधान संगठन, विकास संगठन के तहत कार्य करने। अब आपको एक चीज यहाँ पे थोड़ा डाउट होगा भी कि इतनी बड़ी संस्था है और ये 12th और आईटीआई वालों को क्यों ले रही है, क्योंकि उस तरह का पद है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है डीआरटीसी यानी कि इस कैडर के तहत सेक्शन 1 में इसका अपडेट आपको दिया गया है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एलोबरेट करना चाहूंगा कि इसके सैलरी को लेकर। सबसे पहले तो 35,400 की सैलरी है यहाँ पे आपको, 35,400 की तो सैलरी है, प्लस में आपको अलाउंस वगैरह जो मिलेगा ये कंप्लीट होके 60,000 रुपए इन हैंड आपको सैलरी मिल सकती है। 7CPC के तहत ये आपको दिया गया है विद द बेनिफिट ऑफ अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है यहाँ पे, और उसके तहत जो भी आपको यहाँ पे भत्ता वगैरह मिलता है, सरकारी भत्ता, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको दोस्तों। एज को लेकर यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 28 साल तक का छात्र यहाँ पे आवेदन करेगा। लेकिन जो कैटेगरी में जैसे कि SC ST हैं, OBC हैं, NCL हैं, या फिर PWD छात्र हैं, या विडोज छात्राएं हैं, या डाइवोर्सी छात्राएं हैं, वो भी इसको आवेदन करेंगी, तो उनको यहाँ पे एज रिलेक्शन में छूट भी जरूर दिया जाएगा। ये बातें यहाँ पे कही गई है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के तहत ये अपडेट की गई है। आपको बता दें कि डिजेबल डिफेंस सर्विसेज पर्सनल और पर्सनल डोमिसाइल जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, उनको भी एज क्राइटेरिया में छूट मिलेगा, यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। तो इस डेट के अंदर जो है आप छात्र अगर जम्मू कश्मीर से हैं और 1980 से लेकर 1979 तक जो है आप यहाँ पे जन्म लिए हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ओके, जो EQR यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो मांगा गया है आपका, यहाँ पे बोला गया है कि बैचलर्स डिग्री इज इन साइंस, ये ध्यान रखिएगा, आपका साइंस में बैचलर डिग्री होना जरूरी है, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है, या फिर टेक्नोलॉजी किसी भी टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस या फिर अलाइड सब्जेक्ट्स को लेकर यहाँ पे अपने कोर्सेज किए हैं, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE जो है आपका अप्रूवल होना चाहिए, डिसिप्लिन किसी भी डिसिप्लिन में आपने अगर अपना कोर्स कंप्लीट किया है। तो मैं सारी जानकारी यहाँ पे जो दे रहा हूँ आपको, इसको ध्यान पूर्वक सुनना है और इसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, ठीक है। अब जो छात्र यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका रिजल्ट है वो फाइनल एग्जामिनेशन का
वो आउट हो जाना चाहिए, है ना, आपको फॉर्म भरने से पहले, यानी कि 23 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे जितने भी डिसिप्लिन है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, तो फिर भी 23 सितंबर तक मैं बोल दूं कि आपका रिजल्ट आपके वेबसाइट पे या फिर आपके हाथ में होना जरूरी है, ये ध्यान रखें, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म को भरने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात और रखा गया है कि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एंड हेंस शुड नॉट अप्लाई। तो ये अगर नहीं है पास आउट आप लोग तो अप्लाई मत कीजिएगा, सेकेंड ईयर में है तो या अपियरिंग है तो। बीएससी कैंडिडेट मस्ट हैव रीड द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू द लिस्ट 2 ईयर इन द कोर्स ऑफ बीएससी प्रोग्राम। प्लीज नोट द कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन। जो भी छात्र बीएससी साइंस से हैं यहाँ पे उनको बोला गया है कि आप लोगों को सब्जेक्ट जो है आपका साइंस से मस्ट होना ही चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट 2 साल तो आपका ये कोर्स किया होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि 2 साल अपने 1 साल किया और 1 साल बीएससी करने के बाद वो बीटेक करने चले गए, तो वैसे छात्र नहीं, कम से कम 2 साल आपका बीएससी होना चाहिए आपके कोर्स का, ये ध्यान रखिएगा। बीएससी प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट पोजेसिंग द हायर क्वालिफिकेशन लाइक एमएससी और बीटेक बी पीएचडी डिग्री एज ऑन सर्कुलर डेट एलिजिबल, है ना, उनका जो है डेट के अनुसार जो है 23 सितंबर से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं यहाँ पे। एंड शैल नॉट बी कंसिडर फॉर द रिक्वायरमेंट मेयर फुलफिलमेंट द मिनिमम एलिजिबिलिटी डज नॉट द एंटाइटल ऑन द कैंडिडेट क्लेम हिज और हर कैंडिडेचर द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट एनी पोस्ट। यहाँ बोला गया कि अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारा अप्लाई किए हुए हैं, अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है फाइनल, जब इसका रिजल्ट होने लगा तो आपके पास रिजल्ट आ गया तो उस समय आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, बस उस डेट से पहले अगर आपका है तो ठीक है, उसके डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं वो कौन कौन से पोस्ट हैं जिसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताए गए और कितने पदों की वैकेंसी है उन सभी के लिए। तो देखिए, जो छात्र बीएससी इन एग्रीकल्चर किए हैं या एग्रीकल्चरल साइंस से अपना कोर्स किए हैं तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया, तो इसके लिए टोटल 10 पदों की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सीट चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका 10 सीट है टोटल, और 46 सीट जो है पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए अलग से यहाँ पे रिजर्व की गई है, जो कि पोस्टिंग स्टेशन होगा आपका H1L1T1, इसके बारे में आगे डिस्क्राइब किया गया है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले छात्र जो कि इसके लिए आवेदन करेंगे उनको भी बोला जा रहा है कि डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने किया है और AICTE अप्रूव है आपका जो डिग्री है, तो आपके लिए 15 सीट यहाँ रिजर्व है। बॉटनी वाले छात्र यहाँ पे बीएससी बॉटनी करते हैं बहुत सारे छात्र, उनको भी यहाँ पे बोला गया कि अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए 3 सीट है यहाँ पे। केमिकल इंजीनियरिंग वाले छात्र जो कि केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में अपना कोर्स किए हैं, बीटेक इन केमिकल या फिर बी इन केमिकल, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर अप्लाई द पोस्ट, आपके लिए 35 सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया है। कैटेगरी वाइज आप सीट चेक कीजिएगा कि वो आपके क्या होगा कि जब आप एग्जाम दे देंगे ना तब वो आपको पता चलेगा कि हाँ इस रिजर्व में हमारे लिए इतना रिजर्व सीट है, और उस सीट के लिए पहले आप फाइट करेंगे, देन उसके बाद जो जनरल कैटेगरी में जाएंगे, मतलब कि अगर आपका स्कोर अच्छा रहा तो आप जनरल कैटेगरी में फाइट करके वहां से आप चयन ले सकते हैं अपना। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो बीएससी इन डिग्री इन केमिस्ट्री या केमिकल साइंस से आपने अगर किया है अपना बीएससी तो यू कैन गो ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट, ये ध्यान रखेंगे। 58 पदों की यहाँ वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो जो भी छात्र बीटेक किए हैं डिप्लोमा किए हैं उनके लिए यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत है, 25 सीट यहाँ पे रिजर्व है। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे अपडेट किया गया है, जो कि छात्र यहाँ पे देखिए बीएससी किए हैं डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर अलाइड सब्जेक्टेड फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा किया आपने कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में तो भी आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, बट AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए आपका डिग्री। साथ में कोर्स बाय ड्यूक और BCA MCA आर नॉट एलिजिबल, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया एक नोट में कि जो छात्र BCA किए हैं वो आवेदन नहीं करेंगे, MCA आर नॉट अलाइड अप्लाइड हियर ऑल्सो एंड ये ड्यूक के तरफ सर्टिफिकेशन जो छात्र कंप्यूटर किए हैं सिर्फ वो नहीं आवेदन कर सकते हैं। हाँ, ये अगर किए हैं BSc डिग्री कंप्यूटर साइंस में या बी डिप्लोमा या बी बेटे तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए 167 सीट है टोटल। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग में, AICTE अप्रूव होना चाहिए आपका डिग्री, 17 पद यहाँ पे दिए गए हैं। अगले अपडेट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
जो भी यहाँ पे छात्र किए हैं 68 टोटल पोस्ट है, कैटेगरी वाइज सीट चेक कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डिप्लोमा मांगा गया है, AICTE अप्रूव होना चाहिए, 31 सीट है यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों के लिए 192 सीट है टोटल। तो अगर आपने BSc डिग्री किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी आवेदन करेंगे, डिप्लोमा किया है तो भी आप आवेदन करेंगे, बीटेक किया है तो भी आप आवेदन यहाँ पे करेंगे। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे यहाँ पे, कि जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अलग से वैकेंसी है। BSc अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है या डिप्लोमा किया है इस डिसिप्लिन में, या आपने यहाँ पे डिप्लोमा या BSc किया है तो ही आप इसके लिए योग्य हैं। 17 पदों की टोटल वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस के लिए वैकेंसी आई है यहाँ पे, जी हाँ, डिग्री इन साइंस और आपके पास होना चाहिए, मतलब कि BSc होना चाहिए किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में, और 1 साल का डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस का भी जरूर मांगा गया है यहाँ पे। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए जो कि लाइब्रेरियन साइंस का डिग्री होगा। 23 सीटों की टोटल वैकेंसी है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 13 पदों की वैकेंसी है। BSc इन मैथ्स आपका यहाँ पे होना चाहिए, PCM एज ए सब्जेक्ट आपको 12th में भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पे, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन मेंटेनेंस, इन सभी में आपका AICTE अप्रूव्ड है डिग्री, तो यू कैन गो अप्लाई फॉर द पोस्ट। 294 पदों की टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। अच्छा, मेटलर्जी के लिए यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इस डिसिप्लिन में तो 21 सीट है। मेडिकल टेक्नोलॉजी लैब के लिए यहाँ पे कुल 16 सीट है। यहाँ पे आपने अगर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में अपना कोर्स किया है, या फिर आपने 12th में साइंस के साथ, है ना, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, और 2 साल का डिप्लोमा उसके बाद किया है मेडिकल लेबोरेटरी में, देन यू कैन ऑल्सो गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। या फिर आपने स्टेट गवर्नमेंट से 1 साल का रिलेवेंट कोई एक्सपीरियंस मेडिकल लेबोरेटरी में कोर्स किया है तो 16 पद के लिए आप आवेदन यहाँ पे करेंगे। और फोटोग्राफी के लिए जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, कि बोला गया है कि BSc डिग्री होना चाहिए फोटोग्राफी में, या फिर अगर आपके पास जो है डिप्लोमा है फोटोग्राफी में लिए जो कि AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, ये अप्लाइड कोर्स है बैचलर इन द फाइन आर्ट्स वाले छात्रों के लिए, लेकिन यहाँ पे उनको अप्लाई करने का आवेदन नहीं बोला गया है करने के लिए, नॉट एलिजिबल है फाइन आर्ट्स वाले छात्र। 8 पदों की वैकेंसी है फोटोग्राफी के लिए। फिजिक्स में, यानी BSc इन फिजिक्स है आप, तो आवेदन कर सकते हैं 32 पदों के लिए। और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अपने अगर BSc कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल 5 सीट है। साइकोलॉजी में अगर आपने BSc डिग्री इन साइकोलॉजी किया है तो आप इधर 11 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि साइकोलॉजी तो सर आर्ट्स में आता है, नहीं, एक साइकोलॉजी यहाँ पे है दोस्तों जो कि आपको बता दें कि साइंस से भी होता है डिग्री, साइंस इन साइकोलॉजी में आपका जैसे कि अलाइड सब्जेक्ट है होता है तो आप लेकर यहाँ पे करते हैं, तो उनके लिए 11 सीट है। टेक्सटाइल के लिए यहाँ पे BSc डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो है डिप्लोमा आपने किया है या केमिस्ट्री में आपने टेक्सटाइल केमिस्ट्री किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। 5 पदों की मात्र वैकेंसी यहाँ पे। जूलॉजी के लिए अगर हम बात करें दोस्तों तो 9 पदों की टोटल वैकेंसी है, तो कुल मिला के यहाँ पे 1075 पदों की ये वैकेंसी हो गई। और दोस्तों यहाँ पे 46 पद यहाँ पे जो कि जो PH कोटे से आते छात्र उनको रिजर्व कोटे से दिया गया। तो अब चलते हैं दूसरी पोस्ट के ऊपर जो कि यहाँ पे टेक्नीशियन ए यानी कि ग्रुप सी का पोस्ट है, और ये भी नॉन गजटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, लेकिन इसकी सैलरी 19,900 है। तो 19,900 और प्लस में जो भी आपके अलाउंस मिलेंगे ये कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, लगभग मान के चलेंगे कि 35,000 के आसपास जो है आपकी ये सैलरी अपग्रेड करके मिल सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एज क्राइटेरिया यहाँ भी 18 से 28 साल रखा गया है, और छूट यहाँ पे मिलेगा कैटेगरी वाले छात्रों को जो कि यहाँ पे मैंने ऊपर बताया वही सेम है यहाँ पे। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर बोला गया कि 10th क्लास पास होना चाहिए पहली चीज, इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आपके होने चाहिए जो डिग्री है आपका, सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑल्सो, यानी कि आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन में हो वो आपको आगे अपडेट किया गया है, और सर्टिफिकेट इन द मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन इन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डू नॉट अवॉर्डेड सर्टिफिकेट इन दैट द डिसिप्लिन, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप के लिए सर्टिफिकेट है यहाँ पे तो आप इसको आवेदन करेंगे, ठीक है। तो 10वीं के बाद अगर आपने ITI कर रखा है और साथ में 12वीं कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए। अब आते हैं इन सभी डिसिप्लिन में, तो ट्रेड डिसिप्लिन में ऑटोमोबाइल में 10th पास मांगा गया है, प्लस में सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए ऑटोमोबाइल ट्रेड में। कुल पदों की संख्या यहाँ पे 5 है, देख सकते हैं,
बुक बाइंडर के लिए यहाँ पे बोला गया है कि 10th पास होना चाहिए और आईटीआई भी होना चाहिए, यहाँ पे 20 पद हैं। यहाँ पे कारपेंटर के लिए यहाँ पे 10th पास और सर्टिफिकेट आईटीआई का कारपेंटर में 12 पोस्ट हैं। सीएनसी ऑपरेटर जो कि 10th प्लस और सर्टिफिकेट इन सीएनसी आईटीआई होना चाहिए, 9 पद हैं। सीओपीए यानी कि देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है, ये ध्यान रखिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट का ये पोस्ट है जिसके लिए कि आपको आईटी सीओपीए में होना चाहिए और आपका 10th का सर्टिफिकेट भी बोला गया। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 139 पदों की ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए दोस्तों यहाँ पे 135 पदों की वैकेंसी है और डीटीपी के लिए ऑपरेटर के लिए 8 पदों की वैकेंसी है। यहाँ पे 10th और आईटीआई मांगा गया इन दिस डिसिप्लिन। इलेक्ट्रिशियन के लिए 10th पास और आपका जो है आईटीआई होना चाहिए, वायरमैन में, इलेक्ट्रिशियन में या फिटर ट्रेड में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 106 पदों की यहाँ वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 113 पदों की वैकेंसी है। 10th के बाद अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है मैकेनिक्स में या मैकेनिक इन आईटी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इधर 113 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिटर की बात करते हैं, 10th पास प्लस आपको यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए फिटर में, तो 127 पदों की वैकेंसी है। ग्राइंडर के लिए 7 पदों की मात्र वैकेंसी है। मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे 79 पदों की वैकेंसी है 10th पास के आधार पे ही। और मैकेनिक्स डीजल के लिए 4 पद है, व्हील राइट मैकेनिक्स के लिए 8 पद हैं, मोटर मैकेनिक्स के लिए 13 पद हैं, पेंटर के लिए यहाँ 3 पद हैं, फोटोग्राफर के लिए 11 पद हैं और रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन के लिए 8 पद हैं यहाँ पे। और सीट मेटल वर्क्स के लिए यहाँ पे 14 पद हैं, टर्नर के लिए यहाँ पे 45 हैं और वेल्डर के लिए यहाँ पे 50 है। तो कुल मिला के 826 पदों की ये टोटल यहाँ वैकेंसी हो गई, 1075 पदों की वहां वैकेंसी थी ग्रुप ग्रुप बी वाली। तो लगभग मिला के 1900 पदों की, 1 पदों की ये टोटल वैकेंसी यहाँ से अपडेट की गई है आप छात्रों के लिए, ताकि जो है आप इसको आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। अब जो है कोड दिया गया है, कोड को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे फॉर्म भरते समय, यह सारी चीजें आपको जरूरत भी होगी। एलिजिबिलिटी हमने बता दी, एज क्राइटेरिया बता दिया, सैलरी बता दी, और फॉर्म को आपको भरना कब से है, तो फॉर्म को भरना है आपको 3 सितंबर से। कैसे भरना है वो सेक्शन 3 में अपडेट किया गया है। इसका फॉर्म जैसे ही आएगा हम इसका एक फॉर्म भर के भी आपको जरूर बताएंगे 3 सितंबर को, तो इंतजार कीजिए। और लास्ट डेट 23 सितंबर को है फॉर्म भरने का, तो आप जो है इसके लिए आवेदन अगर करना चाहते हैं और चाहती हैं तो आपको यहाँ पे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को संपूर्ण देखना होगा। अब आगे चलते हैं, जो कि सिलेबस से मेंशन है, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स है। यहाँ पे 1 से लेकर 39 ऐसे सेंटर दिए गए हैं जो कि आपके शिफ्ट वाइज जो है एग्जाम होंगे यहाँ पे। तो ये जो है आपको एग्जामिनेशन सिटी सेंटर शिफ्ट वाइज जो है ये आपको दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड के समय, है ना। और एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए भी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया, मतलब एक से ज्यादा अगर आप यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी हैं उसके लिए, तो आवेदन जरूर कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं यहाँ पे, देखिए तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आपको फॉर द पोस्ट STAB के लिए, तो यहाँ पे आपको Tier 1 यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन Tier 2 में होगा आपका। और उसके बाद दोस्तों डिजायरेबल है आपका जो कि Tier 1 और Tier 2 का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसको लिस्ट किया जाएगा, स्कोर चेक किया जाएगा आपका, और नॉर्मलाइज रूप से यहाँ पे देकर आपको जो है रिजल्ट दिया जाएगा। Tier 1 और Tier 2 विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और Tier 1 में एग्जाम जो होगा आपका ये स्क्रीनिंग के लिए होगा, यानी कि आपका सिर्फ चयन प्रोसेस होगा, वहां से कैलकुलेट नहीं किया जाएगा मार्क्स को, बस आपका कट ऑफ देकर पास किया जाएगा। Tier 2 जो होगा फाइनल सिलेक्शन वाला पोस्ट होगा जो कि इस पोस्ट के लिए होगा यहाँ पे, फॉर द पोस्ट STAB, है ना, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पे जो Tech A के लिए पोस्ट है जो कि यहाँ पे दिया गया, इसका प्रोसेस भी यहाँ पे कुछ सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं CBT 1 होगा और Tier 2 होगा यहाँ पे। Tier 2 जो होगा आपके ट्रेड से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे स्कोर उसी के अनुसार चेक करके आपको CBT 1 का रिजल्ट दिया जाएगा नॉर्मलाइज करके, और आपको CBT 1 पास करते हैं तो CBT 2 देने का यहाँ पे आपको मौका मिलेगा, जिसमें कि ट्रेड टेस्ट विल बी ITI टेस्ट मे बी अबाउट 1 to 2 आवर ड्यूरेशन का होगा, और मोड ऑफ सिलेक्शन में चेंज डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपेंड करता है कि हम इस सिलेक्शन प्रोसीजर को बदल भी सकते हैं। एग्जाम पैटर्न, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन रॉन्ग आंसर, या निगेटिव मार्किंग नहीं यहाँ पे। सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कंसेंट्रेट टू द एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, जितने भी अलग अलग वेरियस पोस्ट हैं उसके लिए अलग अलग सिलेबस मेंशन किया गया आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड। और मीडियम होगा आपका दोस्तों यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, यानी कि बाइलिंगुअल आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अपडेट और एडमिट कार्ड जो है आपका जो है जारी किया जाएगा, तो आपको वेबसाइट पे जाके विजिट करते रहना होगा। वैसे मैं आपको बता दूंगा, आप चैनल पे बने रहिएगा। सीबीटी वन का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के, और टाइम 90 मिनट का। सीबीटी फॉर द प्रोविजनल सेक्शन, यहाँ पे टेस्ट स्पेसिफाई होगा, आपका सब्जेक्ट पोस्ट कोड के अनुसार दिया जाएगा, जहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स से होंगे, और इसके लिए भी आपको 90 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ परसेंटेज दिया गया है कि 1:8 के रेशियो में आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, और इतना परसेंटाइल लाने पे जो है आपको सेल आगे बढ़ाया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ये बातें रखी गई हैं। यहाँ पे टेबल टू में दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक ए के लिए, तो सीबीटी अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट सिलेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको 40 क्वेश्चन होगा, सेक्शन दो होंगे वहाँ पे ए और बी, 40 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 80 क्वेश्चन सेक्शन बी में, यानी 120 मार्क्स का ये टोटल एग्जाम होगा 90 मिनट का। ट्रेड टेस्ट होगा, तो आपका जो है ये 1 to 2 आवर का ये टेस्ट होगा, जो कि आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा, यानी किस ट्रेड में आपने अपना कोर्स किया। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न, इसका निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो हमने आपको ये सारी जानकारी अप टू डेट कर दी है। आप इसको जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी जानकारी भी ले सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तरफ से डीआरटीसी की ये नया नोटिफिकेशन है, इसके करियर वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। और आपको क्या करना है यहाँ पे, तो इसके लिए अप्लाई करना है 3 तारीख से। फिर भी आपके अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और कोई आपके डाउट हुए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद।